नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे गुरुकुल अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रैंकर टेस्ट में जो हिस्ट्री और करंट अफेयर क्वेश्चन बच गए थे उस पर बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, बराबर वीडियो मिल रहे हैं आप लोगों को, किस हर मुद्दे पे मिल रहे हैं, रीजनिंग पे, मैथ पे, जीएस पे भी सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करिए और अपने ग्रुप्स में जो है वो शेयर कर दिया करिए वीडियो को। चलते हैं, आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन बचे हुए थे और करंट अफेयर के। चलते हैं क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, मध्य पाषाण काल से कौन सा संबंधित नहीं है। देखो, नंबर एक लंगनाज, दूसरा दिया गया है बी ऑप्शन, दिया गया है महदा, और तीसरा दिया गया है आदमगढ़, और चौथा दिया गया है मेहरगढ़। कौन सा नहीं है दोस्तों? देखो, मध्य पाषाण काल को अगर हम बात करें, अनुपुरा पाषाण काल भी कहते हैं, अनुप्रापाषाण काल भी कहते हैं। अगर इसे बात करें तो इसे आद्य नवपाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अगर पूछ लिया जाए मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम बताइए, तो एक कहते हैं अनुप्रापाषाण काल, दूसरा इसे कह सकते हैं आद्य नवपाषाण काल, तीसरा इसे संक्रमण काल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? संक्रमण काल। दोस्तों तीन नाम नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी चीज, पाषाण मध्य पाषाण काल का जब अस्तित्व में आया, कब आया? 1867 ईस्वी में सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में, कहाँ पे दोस्तों? विंध्य क्षेत्र में कई उपकरण को खोज किया, लघु उपकरण के, ठीक दोस्तों, लघु उपकरण खोज किए। उस समय ये मध्य पाषाण काल अपने की जानकारी हुई। किस समय हुई जानकारी? 1867 ईस्वी में सी एल कार्लाइल ने कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में कई उपकरणों की मध्य पाषाण संबंधित खोज किए। इसलिए दूसरा कौन ऑप्शन देखते हैं। देखो, सबसे पहले मध्य पाषाण काल में दोस्तों, मध्य पाषाण काल ही मानव अस्थि पंजर से संबंधित है। अस्थिपंजर, हम लोगों का मानव शरीर के अस्थिपंजर कब से मिलने शुरू हो गए थे? मध्य पाषाण काल से ही मिलने शुरू हो गए थे। क्या हो गए थे? मानव अस्थिपंजर से संबंधित कंकाल हुए, जितनी भी चीज़ें हैं मिलना शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं स्थल के बारे में, ऑप्शन के बारे में, कि ऑप्शन में देखो दोस्तों, लंगनाज ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 14 मानव कंकाल मिले थे। कितने दोस्तों? 14 मानव कंकाल। ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों। महदा ये पड़ता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी कंकाल मानव कंकाल मिले थे। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है यूपी में। आदमगढ़, ये भी दोस्तों यूपी में पड़ता है। ये तीनों जितनी तीनों स्थल जो ये लंगनाज, महदा और आदमगढ़, तीनों ही भारत में पड़ते हैं, भारत पड़ते हैं। दूसरा पड़ते तो भारत में ये भी पड़ता है, लेकिन ये मध्य पाषाण काल के स्थल हैं दोस्तों। किसके हैं? मध्य पाषाण काल के दोस्तों। ये कहाँ से पड़ता है? मध्य पाषाण काल। देखो दोस्तों, मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन के, किसके? पशुपालन के साक्ष मिलते हैं। कहाँ पे दोस्तों? एक मिलता है आदमगढ़, ये पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी में। दूसरा दोस्तों मिलते हैं बागौर, ये पड़ता है राजस्थान में। देखो दोस्तों, मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन के साक्ष मिलने शुरू हो गए थे। दो जगह साक्ष मिले थे, कहाँ पे? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, और दूसरा बागौर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। मध्य पाषाण, अब डी ऑप्शन इसमें दिया है, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं, ये नव पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। सबसे पहली बात, नव पाषाण काल से संबंधित सबसे प्राचीन ये स्थल नव पाषाण काल से संबंधित है। किससे दोस्तों? नव पाषाण काल से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप में, प्राचीनतम, सबसे प्राचीन तो कहाँ पे? भारतीय महाद्वीप में दोस्तों।
देखो दोस्तों, प्राचीनतम भारतीय महाद्वीप में कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। अगर प्राचीनतम साक्ष्यों की बात की जाए, अगर इसमें एक नवीनतम साक्ष्य भी कहते हैं, नवीनतम साक्ष्य वो बताते हैं लहुरादेव। कहाँ दोस्तों? लहुरादेव। लहुरादेव कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी में संत कबीर नगर जिला के। कहाँ पे? संत कबीर नगर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो दोस्तों, अगर ऑप्शन में एक हो लहुरादेव या मेहरगढ़, तो आप एक ही लगाएंगे। अगर दोनों हो फिर क्या लगाएंगे? तो फिर उस समय मेहरगढ़ ही लगाएंगे, क्योंकि ये बाद में साक्ष्य मिले, ये सबसे प्राचीनतम स्थान। एक जगह है दोस्तों कौल्डी हवा, ये भी नवपाषाण काल स्थल है। यहाँ पे सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले। कैसे दोस्तों? चावल के साक्ष्य मिले। तो हमने दोस्तों क्या देखा? हमने देखा मध्यपाषाण काल को, मध्यपाषाण काल के नाम देते अनुप्रापाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल और संक्रमण काल भी कहते हैं। दूसरा, ये मध्यपाषाण काल में अस्थिपंजर, मानव के अस्थिपंजर भी मिलना शुरू हो गए थे। लंगनाज में 14 मानव कंकाल मिले, मेहदा में भी मानव कंकाल से संबंधित है, आदमगढ़ में भी, और आदमगढ़ में क्या मिला दोस्तों? अभी हाल ही में आदमगढ़ में हमने बताया कि क्या मिले हैं, सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य। किसके दोस्तों? पशुपालन। ठीक दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये मध्यपाषाण, मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है, और लहुरादेव भी नवपाषाण काल से संबंधित है दोस्तों, और कौल्डी हवा भी नवपाषाण। देखो मेहरगढ़ और लहुरादेव में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले, और कौल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं पाया जाता है? दोस्तों कौन सा स्थल? देखो, अगर बात सुरकोटदा दी की जाए, ये पड़ता है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगर बात कालीबंगा की जाए, कालीबंगा स्थल कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में, राजस्थान में। और लोथल दोस्तों कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिला में। कहाँ? पाकिस्तान पे लड़काना। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया, मोहनजोदाड़ो। अगर हड़प्पा सभ्यता का, देखो आपसे पूछ लिया जाए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल बताओ, तो क्या बताएंगे सर? देखो, अगर सबसे पूर्वी पूछ लिया जाए तो दोस्तों आलमगीर। ठीक दोस्तों, आलमगीर ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है मेरठ के, मेरठ यूपी के आसपास, सबसे पूर्वी। अगर दोस्तों आपसे सबसे दक्षिणी पूछ लिया जाए स्थल हड़प्पा सभ्यता का, तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर आपसे सबसे उत्तरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल के बारे में पूछ लिया जाए, तो मांडा, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपके पास सबसे पश्चिमी पूछ लिया जाए, तो बताएंगे सोतंगा डक, नहीं सुत कंगे डोर, ये पड़ता है दोस्तों बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान दोस्तों कहाँ पड़ता है? आप लोग कमेंट करना दोस्तों। ठीक, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, ये किस नदी के पास है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है। कहाँ पे? मेरठ उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे सबसे छड़ी पूछ लिया जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे उत्तरी पूछ लिया जाए तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर में। अगर पश्चिमी पूछ लिया जाए तो सुद कंगे डोर, ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? आप लोग कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों पूछा क्या था क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं पाया जाता? ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता स्थल
संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो दोस्तों, असत्य सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो दोस्तों, राखी गढ़ी देखो, अभी हाल ही में आपने चर्चा में है राखी गढ़ी, किस लिए चर्चा में है ये राखी गढ़ी पड़ती कहाँ पे? सबसे पहले राखी गढ़ी हरियाणा में हड़प्पा का एक स्थल है। ये राखी गढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे? भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। ये दोस्तों अभी हाल में चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ पे ही हड़प्पा सभ्यता के संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहाँ पे? राखी गढ़ी हरियाणा में सबसे बड़ा संग्रहालय। ठीक दोस्तों, क्या किस नदी पे पड़ता है राखी गढ़ी? घग्गर नदी पड़ता है। किस नदी पे दोस्तों? घग्गर नदी पे। दोस्तों आप देख इसके आगे देखते हैं, रोपड़ कहाँ पे पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए। रोपड़ जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, कहाँ किस जगह पाया जाता है? भारत, सबसे पहली बात, अगर भारत में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? ये रोपड़ पाया जाता है भारत में। भारत कहाँ में? पंजाब प्रांत में। अगर किस नदी के पास पूछ लिया जाए तो ये पड़ती है सतलज नदी। देखो सतलज को सतलुज भी हम लोग बोल देते हैं। सी ऑप्शन, दैमाबाद किस नदी पे पड़ती है दोस्तों? दैमाबाद ये पड़ता है, अभी हमने पिछले बताया, ये हड़प्पा स्थल का सबसे दक्षिणी स्थल है। कौन सा है? सबसे दक्षिणी ये पड़ता है महाराष्ट्र। ये किस नदी पर दोस्तों पड़ता है? ये प्रवरा नदी पर। अगर बात हड़प्पा की जाए, हड़प्पा स्थल की, देखो दोस्तों सबसे पहले इसका सर्वे किया था, सर्वेक्षण खोज नहीं बोल सकते ना, उत्खनन, क्योंकि उत्खनन बाद में हुआ था 1921 में। कहाँ पे? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था सर्वेक्षण, दयाराम साहनी ने। ठीक दोस्तों, दूसरा अगर बात की जाए हड़प्पा स्थल किस नदी पे, तो रावी नदी पे। किस नदी पे दोस्तों? रावी नदी पे। अगर तो ये भी गलत हो गया और ये भी सही। क्या है? राखी गढ़ी किस नदी पे? घग्गर नदी। और ये जो सिंधु नदी दी गई है दोस्तों, ये कहाँ पे है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ठीक दोस्तों, चल इतना पढ़ा, हड़प्पा 1921 में, दयाराम साहनी रावी नदी पे 1921 में दोस्तों, दयाराम साहनी, अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए सिंध नदी पर, और ये 1922 में इसका उत्खनन हुआ था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यजुर्वेद से संबंधित असत्य कथन क्वेश्चन सुनिए। देखो दोस्तों, यजुर्वेद आप लोग सब नोट्स बना लेना दोस्तों, बात यजुर्वेद की करते हैं हम लोग। दोस्तों यजुर्वेद को वायु से उत्पन्न माना जाता है। किससे दोस्तों? अगर बात पूछ लिया जाए आपसे यजुर्वेद को किससे उत्पन्न माना गया है, तो वायु से। यजुर्वेद को कर्म या गति का वेद भी कहते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? यजुर्वेद को कर्म या गति का वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों का वर्णन है। किसका वर्णन है? यज्ञ और कर्मकांडों। इसमें यज्ञ और कर्मकांड की विधियों का भी वर्णन है कि किस प्रकार कैसे करनी चाहिए। ठीक, यजुर्वेद के दो भाग हैं दोस्तों, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक दोस्तों, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद दो वेद है। कितने वेद हैं? दो वेद हैं दोस्तों, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद को वायु से उत्पन्न माना जाता है दोस्तों, यजुर्वेद को कर्म या गति का वेद भी कहते हैं दोस्तों, और इसे यज्ञ और कर्मकांडों का भी इसमें वर्णन है और इसकी विधियों का भी वर्णन है। यजुर्वेद के दो प्रकार हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद दोस्तों।
देखो दोस्तों, हम जब भी कोई भी सेशन लगा शुरू करते हैं, खुद की बात कर रहा है, खुद में बात कर रहा आप लोग, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन उसके चारों ऑप्शन देख लिया करिए एक बार, उससे संबंधित अगर आप नोट कर लेंगे चारों क्वेश्चन एक बार कर लेंगे, दूसरे दिन या कभी भी आप कोई सेल लगाने बैठे तब भी अगर वो पॉइंट याद आ जाए दिख जाएगा तो याद आ जाएगा रिलेटेड उससे। इसलिए नोट चारों ऑप्शन देख लिया करें, सिर्फ आंसर नहीं। देखो दोस्तों, यजुर्वेद बारे में हम बात कर रहे थे, तो यजुर्वेद में हाथियों के भी पालने की बात की गई है। किसकी? यजुर्वेद को पाठ करने वाले, जो यजुर्वेद का पाठ करता है दोस्तों, उसको कहते हैं अधर्व। क्या कहते हैं? अधर्व। अब देखते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि असत्य कथन का चयन करिए, ए ऑप्शन। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और कर्मकांडों पर बल दिया गया है, अभी हमने क्या बताया था, ये सही है। ये बी ऑप्शन, इसमें हाथियों के पालने का भी उल्लेख है, ये भी दोस्तों सही है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसु और वाजपेय यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है, ये भी दोस्तों सबसे पहली बार अगर राजसु यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का वर्णन दिया गया है, किसमें दिया गया है? यजुर्वेद में। डी ऑप्शन दोस्तों, इसका पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गात्र कहते हैं। दोस्तों ये गलत है, इसको किसको कहते हैं? सामवेद। अगर कोई सामवेद का वर्ण पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गात्र। और सामवेद को संगीत का जनक भी कहते हैं, संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, आप तो यजुर्वेद का पाठ करने वालों को क्या बताया दोस्तों? अधर्व। ठीक दोस्तों, क्या ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन गलत है, तो यही ऑप्शन हो गया क्योंकि हमें असत का चयन करना था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो दोस्तों, वैदिक काल हो गया, ऋग्वैदिक काल हो गया, मुगल वंश हो गया, या दिल्ली सल्तनत हो गया, या गुप्त काल हो गया, मौर्य वंश हो गया, इनमें जो भी शब्द प्रचलित थे इम्पोर्टेंट है वो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित से उस समय क्या बोला जाता है। जैसे यही क्वेश्चन है, युद्ध को वैदिक काल में क्या बोला जाता है, या खिल को क्या बोला जाता है, अगर आपको जानकारी होगी तभी तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, पूछा क्या गया है, सही सम्मिलित कीजिए। सबसे पहली बात हम देखते हैं, पहला ऑप्शन युद्ध। युद्ध को दोस्तों क्या कहते हैं? युद्ध को हम गेसूत कहते थे और इसे गम भी। ठीक दोस्तों, तो खिल को क्या कहते हैं? खिल को हम चारागाह कहते थे। तो देखो हाँ, और मरुस्थल को क्या कहते हैं? मरुस्थल को धनु कहते हैं। गुप्तचर को हम लोग दोस्तों स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श। देखो हम लोग युद्ध को गेसु या गेम कहते थे, और खिल को चारागृह, मरुस्थल को धन, और गुप्तचर को स्पर्श कहते थे। गाय को देखो राजा को गोप्ता कहते थे, और हल को लांगल कहते थे। जो खेतों में नालियां बन जाती थी हल जोतने के बाद, उस जो नालियां पूरा खेत होता उसे सीता कहते थे। इसलिए कई ऐसे शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हमने देखो क्वेश्चन में क्या क्या बताया। युद्ध को गेसु कहते हैं, ये गलत हो गया दोस्तों। क्या कहते हैं? गेसु। खेल को चारागृह कहते हैं, सही हो जाएगा दोस्तों। मरुस्थल को धनु कहते हैं, ये भी गलत। और गोचर को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श। तो क्या आंसर हो गया? आंसर हो गया बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बुद्ध से के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को में से असत का चयन कीजिए। देखो दोस्तों, प्रतीक है गौतम बुद्ध हुआ, और जैन धर्म में महावीर स्वामी हुए, बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। इनके संबंधित प्रतीक या इनके संबंधित महत्वपूर्ण तत्व है बुद्ध के जीवन में। तो जन्म को हम क्या कहते थे? समृद्धि को क्या कहते थे? मृत्यु को क्या प्रतीक था?
निर्वाण का क्या प्रतीक था दोस्तों? ज्ञान प्राप्ति का। और जब गर्भ है, ठीक दोस्तों, इतनी इम्पोर्टेंट है क्या क्या दोस्तों? जन्म समय देखो, जन्म में कमल, कमल का निशान। और जब समृद्धि की बात करते हैं, समृद्धि तो शेर। और बात करते हैं मृत्यु, जब मृत्यु का चिन्ह है क्या? स्तूप दोस्तों, क्या है दोस्तों? स्तूप। निर्माण का, हाँ, निर्माण का क्या है? पद चिन्ह, क्या है दोस्तों? पद चिन्ह। और ज्ञान प्राप्ति का है दोस्तों? पीपल, पीपल का वृक्ष, इसे बौद्धि वृक्ष भी बोलते हैं। जन्म का कमल, समृद्ध का शेर, मृत्यु का स्तूप, निर्माण का पद चिन्ह और ज्ञान प्राप्ति का पीपल। अब बात आ गई, देखो दोस्तों, गर्भ और यौवन दो चीज। गर्भ का हाथी से संबंधित था और यौवन को सांड, ठीक दोस्तों, ये प्रतीक चिन्ह थे। तो आप क्वेश्चन देखते हैं, पूछा क्या है? असत्य का चिन्ह दीजिए। देखो, जन्म का कमल सही है दोस्तों, समृद्धि का शेर ये भी सही दोस्तों, निर्वाण का पद चिन्ह दोस्तों ये भी सही है। क्या गलत है दोस्तों? डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन क्या क्या है? गर्भ का सांड, जो कि बताया क्या था? गर्भ का हाथी दोस्तों, और सांड का बताया था। देखो, गर्भ का हाथी दोस्तों और सांड का यौवन, यौवन का प्रतीक सांड है और हाथ, गर्भ का प्रतीक हाथी है। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, बौद्ध संघ से संबंधित अधिकारी से संबंधित गलत कथन का चुनिए। देखो दोस्तों, भंडागारे के खान पान से संबंधित अधिकारी सही है दोस्तों। क्रय करने वाले अधिकारी को हम क्या कहते थे? कप्पी कारक, ये भी सही है दोस्तों। चीवर, वस्त्रागार करने वाले अधिकारी को जो वस्तुओं संबंधित है उसे कहते हैं चीवर, ये भी दोस्तों सही है। नौ, कम्बेक है, ये गलत है दोस्तों। आराम करने वाले अधिकारी को आर्मिक कहते थे, क्या दोस्तों कहते थे? आराम करने वाले, आराम से संबंधित अधिकारी को क्या कहते थे? आर्मिक कहते थे। क्या ऑप्शन हो गया दोस्तों? ये डी ऑप्शन हो गया। पूछा क्या था? गलत कथन का, तो क्या आंसर हो गया? आंसर दोस्तों डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? देखो दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए गौतम बुद्ध, क्या दोस्तों? जहां भी नोट्स बनाते हो वहां डाल लीजिए गौतम बुद्ध, जितना इम्पोर्टेंट है सर दोस्तों। कितना इम्पोर्टेंट है? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था दोस्तों? देखो दोस्तों, गौतम बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था दोस्तों? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कहाँ दोस्तों? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनका बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। इनकी माता जी का नाम पूछ लिया जाए दोस्तों, माया देवी, क्या था दोस्तों? माया देवी। और इनका जो पालन पोषण किया था, पालन पोषण वो किया था इनके मौसी गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति। पिताजी का नाम इनके शुद्धोधन। देखो, ग्रह त्याग की बात की जाए, पूछ लिया जाता है दोस्तों ग्रह त्याग किस वर्ष किया था? 29 वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष से? 29 वर्ष से। तो ग्रह त्याग तो क्या? महा निष्क्रिय मर, ठीक। अगर इनका बात की जाए प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ में दोस्तों इन्होंने दिया था। कहाँ दोस्तों दिया था? सारनाथ में। पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं इनके। अगर देखो दोस्तों, इनका महापरिनिर्वाण, निर्वाण किसे? मृत्यु से, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। किस कब हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में। कब? 80 वर्ष की अवस्था में। कब हुआ? 483
ईस्वी पूर्व वैश्य कुशीनगर के मल्ल गणराज में। ठीक दोस्तों, बात की जाए इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, निरंजना नदी के तट पर, कब, 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक दोस्तों, कितना पढ़ा दोस्तों, गौतम बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ, इनका बचपन नाम सिद्धार्थ है, इन्होंने इनकी माता का नाम माया देवी, इनकी सौतेली माता सौतेली मौसी थी गौतमी प्रजापति, इनका पालन पोषण किया क्योंकि 10 दिन के अंदर ही इनकी माता पिता का ध्यान हुआ। इनके पिता का नाम सुद्योधन, इनके लड़का का नाम राहुल, लड़के का नाम राहुल था, और इनके प्रथम उपदेश इन्होंने किया था सारनाथ में, इनको इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, महाभिनिक्रमण कहते हैं इसे, और इनका महापरिनिर्वाण मृत संबंध जो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, इन्होंने वैशाली में अंतिम जो उपदेश दिया वर्ष, ठीक, वैशाली में। इतनी इनकी निजी जिंदगी के बारे में। अब बात करते हैं इनके प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई दोस्तों, प्रथम बौद्ध संधि क्या, प्रथम बौद्ध संगीत दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, कब, 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी, राजगृह में, राजगृह में किसकी अध्यक्षता में, अगर आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्षता किसने थी, महाकश्यप, किसने थी, महाकश्यप ने, अगर किस शासक के संरक्षण में हुई थी, अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक दोस्तों, इतनी जानकारी, प्रथम बौद्ध संगीत दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर, राजगृह में, किसके अध्यक्षता, महाकश्यप की अध्यक्षता में, और अजात शत्रु जो का उस मगध का शासक था। ठीक, आपसे अगर पूछ लिया जाए द्वितीय बौद्ध संगीत, तो द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई, 383 ईसा पूर्व दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में हुई दोस्तों, तो हुई सभा कामी। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस राजा के संरक्षक में कालाशोक, ये कालाशोक जो राजा है किस वंश से संबंधित था दोस्तों, ये कमेंट करना क्या। देखो, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व किसके अध्यक्षता में, सभा कामी में, कालाशोक किस वंश का शासक था, ये कमेंट करना, कालाशोक के संरक्षक में हुई थी। अगर तृतीय बौद्ध संगीत की बात की जाए दोस्तों, तृतीय तो 250 ईसा पूर्व दोस्तों, किसके अध्यक्षता में हुई दोस्तों, मोगली पुत्तस। देखो दोस्तों, 250 ईस्वी पर किसके अध्यक्षता में हुई, मोगली पुत्तस। ठीक, कहाँ हुई, पाटलिपुत्र। अगर किस राजा के संरक्षण में हुई, अशोक, अशोक किस वंश से संबंधित था दोस्तों, मौर्य वंश के। अब देखो, टोटल चार बौद्ध संगीत हुई दोस्तों, कितनी हुई, चार बौद्ध संगीत हैं, आखिरी बौद्ध संगीत बची है चतुर्थ बौद्ध संगीत, कब हुई दोस्तों, 98 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, ये कनिष्क के संरक्षक में, किसके, कनिष्क के, जो कुषाण वंश का शासक था दोस्तों, किसका शासक था दोस्तों, कुषाण वंश का शासक, और किसकी अध्यक्षता में हुई, वसुमित्र अशुघोष की अध्यक्षता में। ठीक दोस्तों, देखो क्या क्या देखा हमने, प्रथम बौद्ध संगीत है 483 ईसा पूर्व, राजा ग्रह, महाकश्यप के अध्यक्षता में दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो 383 ईस्वी पूर्व सभा कामी, कालाशोक के संरक्षक हुई, सभा कामी में अध्यक्षता की। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो 250 ईस्वी पूर्व मोगली पुत्सम ने अध्यक्षता की, और कहाँ हुई दोस्तों, पाटलिपुत्र,
किसके संरक्षक हुई? अशोक, अशोक मौर्य वंश से संबंधित था दोस्तों। चतुर्थ बहुसंघी की बात की जाए तो 98 ईस्वी में हुई। किसके शासनकाल में? कनिष्क के, जो कुषाण वंश से संबंधित था दोस्तों। और किसने अध्यक्षता की? वसुमित्र अश्वघोष ने दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन, नोट कर लेना दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो दोस्तों कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। देखो प्रथम बौद्ध संगीत दोस्तों कहाँ हुई? राजगृह में। कब हुई दोस्तों? 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में और उसके संरक्षक में। ठीक, ये क्वेश्चन ऑप्शन सही है। दूसरा, दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई दोस्तों? वैशाली में। अभी दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई दोस्तों? वैशाली में हुई। देखो सभा कामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के संरक्षण में इसका शासन का हमने पूछा था। कालाशोक किस शासन से संबंधित था? ये लो आप लोग कमेंट करना, ये भी सही है। कब हुई थी द्वितीय? 383 ईस्वी पूर्व में। ठीक दोस्तों, किसके अध्यक्षता में? सभा कामी के। पूछा गया तृतीय बहु संगीत कुंडलवन, तृतीय बहु संगीत दोस्तों कब हुई? 250 ईस्वी पूर्व में। किसके अध्यक्षता में? मोगली पुत्र सम के। और कहाँ हुई थी? पाटिल पुत्र। ये लिखा क्या है? पाटिल पुत्र दोस्तों, लिखा गया कुंडलवन, ये गलत है। अशोक राज मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत की बात की जाए तो ये कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। और किसके? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कब हुई थी? 98 ईस्वी में। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है। देखो अभी क्या बताया, प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष महाकश्यप, सही दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष क्या बताया दोस्तों? मोगली पुत्र सम। ठीक दोस्तों, इसमें क्या लिखा? अश्वघोष, ये गलत हो गया। वसुमित्र अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्षता की थी। किसके? ये भी सही। दूसरी बौद्ध संगीत सभा कामी, ये भी थे। गलत क्या था? बी। ठीक, अशोक सुना हो के क्या था? मोगली पुत्र सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध से संबंधित असत कथन का चयन कीजिए। देखो दोस्तों कि अभी क्या बताया था उसी आधार पे, पिछले अभी आपने नोट किया कर लिया होगा दोस्तों। देखो ए ऑप्शन देखते हैं, गौतम बुद्ध का पालन पोषण सौतेली माँ माया देवी, जबकि हमने क्या बताया? माया देवी ओरिजिनल माँ थी। ठीक, इनका 10 दिन के अंदर निधन हो गया था। सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनके गुरु का नाम अलार कलाम था, ये सही दोस्तों। इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर? निर्जना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया। पूछा जाता है इन्होंने किस नदी पर 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया, क्या नाम आता है? निर्जना नदी पर। कभी कभी पूछ लिया जाता है निर्जना नदी पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस नदी, किस वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में, ये भी दोस्तों सही है। सी डी ऑप्शन दिया, गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल्ल गणराज में महापरिनिर्माण प्राप्त हुआ दोस्तों, ये भी हुआ सही है। ठीक दोस्तों, तो क्या इसका आंसर हो गया दोस्तों? आंसर हो गया ए, क्योंकि ए ही पहले सौतेली माँ गौतमी प्रजापति होगा, माया देवी इनके ओरिजिनल माँ थी और 10 दिन के 10 दिन में मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में नहीं था? देखो दोस्तों महाकश्यप, महाकश्यप इनका शिष्य था। इन्होंने महाकश्यप ने पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी की थी, बौद्ध संगीत प्रथम
की अध्यक्षता की थी। किसने? महाकश्यप ने। बिम्बिसार भी इनका शिष्य था। बिम्बिसार ठीक इनका मित्र व संरक्षक भी था, मित्र था संरक्षक भी था। ठीक दोस्तों, अजातशत्रु जो शुरू में जैन धर्म से संबंधित था, कैसे दोस्तों, लेकिन अपने अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों अजातशत्रु शुरुआत जीवन में जैन धर्म से संबंधित था दोस्तों, और अंतिम वर्ष में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर, इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत। ठीक, डी ऑप्शन दिया गया है बृहद्रथ, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक भी है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक दोस्तों, तो ये इसका शिष्य नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। देखो आप आंसर देने के लिए पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने क्वेश्चन दे दिया और आंसर नोट कर लीजिए, सबसे आखिरी में अपने आंसर कितने सही हुए कितने गलत हुए, 30 क्वेश्चन है टोटल आज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप 30 में से कितने सही हुए, जिन्होंने रैंकर टेस्ट गुरुकुल ऑफलाइन नहीं दिया था उनकी बात करता हूँ। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके लिए सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ के द्वारा महिलाओं के लिए द्वार खोले? गलत है दोस्तों थोड़ा। ठीक, महिलाओं के लिए द्वार खोले, देखो दोस्तों महाप्रजापति गौतमी इन्होंने कई बार गौतम बुद्ध से सिफारिश की थी, बहुत संघ जो अपने लिए संघ चलाते थे, गौतम बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था, उस संघ में एंट्री दी जाए, लेकिन इन्होंने तीन बार लगातार मना कर दिया, लेकिन फिर ये वैशाली में गौतम बुद्ध के दामाद आनंद प्रथम सिंह के कहने पर, किनके? आनंद के कहने पर, ये प्रथम शिष्य थे, इन्हें कहने पर ही इन्होंने अपनी जो कि सौतेली माँ और इनकी भरण पोषण किया था, इनकी एंट्री की अनुमति दे दी। कहाँ पर? वैशाली में। इसलिए आंसर होगा सी दोस्तों। देखो दोस्तों, नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थी, किसके? गौतमी की पुत्री थी और बुद्ध की बहन थी, गौतम बुद्ध की बहन थी। इन्होंने भी गौतम उससे शिक्षा दीक्षा ली थी। बात करते हैं मल्लिका की दोस्तों। मल्लिका ये बिम्बिसार की पत्नी थी, ये भी गौतम बुद्ध की अनुयायी थी, उन्होंने मल्लिका विहार का निर्माण कराया था। किसका दोस्तों? मल्लिका बिहार का। ठीक, इसका आंसर दोस्तों हो जाए सी, सबसे पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था दोस्तों। अब चलते हैं जैन धर्म से संबंधित असत्य कथन का। देखो दोस्तों, जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम प्रथम ऋषभदेव। क्या दोस्तों नाम था? ऋषभदेव। अगर अंतिम 24वीं की बात की जाए तो महावीर स्वामी। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का अगर पूछ जाए तो महावीर स्वामी ही आता है, जबकि जैन धर्म का स्थापना ऋषभदेव ने की थी, लेकिन अगर वास्तविक की बात की जाए तो महावीर स्वामी ही नाम आएगा। ठीक दोस्तों, आप देखते हैं, देखो महावीर स्वामी के जो अनुयायी है इनको क्या कहते थे? निग्रंथ। और इनका महावीर स्वामी का जन्म 563 ईस्वी पर कुछ वैशाली, कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक दोस्तों, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनके अनुयायियों तो निग्रंथ कहते थे, इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। ये अहिंसा के पुजारी थे। किसके? अहिंसा के पुजारी थे। और ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या लिखा है, पूछा क्या असत कथन का, दोस्तों चयन कीजिए। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, अभी क्या बताया दोस्तों, ये बी ऑप्शन, महावीर ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किस भाषा में दिए, प्राकृतिक भाषा में, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। जैन धर्म में ईश्वर नहीं, देखो जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता, लेकिन आत्मा को मानता दी गई, ये भी सही है दोस्तों। महावीर पुनर्जन्म और कर्म का कर्मवाद में विश्वास रखते थे, दोस्तों ये भी सही है। गलत क्या है, महावीर ने उपदेश पाली भाषा में ना देकर किस भाषा में दिए, प्राकृतिक भाषा में, तो इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक जनसभा में जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थे, देखो दोस्तों ए ऑप्शन देखते हैं, विद्वत सभा समिति और उपयुक्त सभी, देखो सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया, क्या कहा जाए, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। बात सभा की, सभा में महिलाओं को एंट्री थी, किसके, महिलाओं की, समिति में महिलाओं की नो एंट्री की। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं की एंट्री नहीं है, यही क्वेश्चन अगर ये पूछा है, ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक जन सभा में निम्नलिखित किस समिति या सभा में महिलाओं की एंट्री बैन थी, तो क्या कह रहे थे, समिति, इसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी। जबकि विदर्भ, ये भी सबसे प्राचीन सभा थी ऋग्वैदिक काल की, कितनी थी, सबसे प्राचीन, इसमें भी महिलाओं की एंट्री थी, ठीक दोस्तों। ये दोनों सभाएं, इसका कार्य कहा था, राजा पर नियंत्रण रखना, क्या कार्य था दोस्तों, राजा पर नियंत्रण रखना या नियंत्रण करना। सभा का काम इससे थोड़ा अलग भी था, इसके साथ साथ देखो दोनों का काम था, राजा को नियंत्रण, मतलब राजा की नियुक्ति करना और हटाना। अगर न्यायकार के संबंधित माना जाए तो न्यायकार सभा देखती थी, ठीक दोस्तों। तो क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया बी ऑप्शन इसका दोस्तों। ऋग्वैदिक जनसभा में न्यायिक कार्यों से संबंधित कौन थी, सभा। सभा और विदत्त में महिलाओं की भी एंट्री थी दोस्तों, लेकिन समिति ऐसी संस्था थी, ऐसी सभा थी ऋग्वैदिक काल में जिसमें महिलाओं की एंट्री नहीं होती है। और सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया। सभा और समिति के कार्य राजा पर नियंत्रण करना, राजा की नियुक्त करना और राजा को हटाना, ये प्रमुख कार्य थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत जोड़ा हुआ कौन सा, देखो दोस्तों महावीर स्वामी के पहले पार्श्वनाथ ने जो थी, पार्श्वनाथ जो तो 23वें तीर्थंकर के, कौन से 23वें तीर्थंकर, इन्होंने सत्य अहिंसा अस्ते, देखो सत्य का मतलब जानते होंगे, अहिंसा भी माने हिंसा ना करना, अस्ते का मतलब है दोस्तों चोरी ना करना, ठीक दोस्तों। और चौथा जोड़ा था इन्होंने अपरिग्रह, ये किसने जोड़े, ये चारों जोड़े थे पार्श्वनाथ में, जो कि वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन से तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने क्या जोड़े, सत्य अहिंसा अस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन एकत्रित ना करना। ये चार किसने जोड़े थे पार्श्वनाथ में, पांचवा जोड़ा था दोस्तों ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ठीक दोस्तों। चलते हैं इसका आंसर क्या हो गया, सी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत के चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया, देखो दोस्तों जैन धर्म महावीर स्वामी को सिंह से साथ प्रदर्शित किया गया,
महावीर स्वामी को कला किससे संबंधित किया, सिंह को। बात हाथी की, गज की की जाए, गज की बात की जाए तो अजीतनाथ, अजीतनाथ को किससे प्रदर्शित किया गया दोस्तों, गज के साथ। घोड़ा को संभवनाथ, संभवनाथ। और हिरण सिंह को किससे, महावीर स्वामी को, स्वामी को। और हिरण को किससे, शांतिनाथ। बात अगर ऋषभ देव करें, ऋषभ देव जो कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभ देव, वो बैल माने वृषभ से संबंधित थे, वृषभ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का संबंध किससे का, सर्व से। और एक नेमिनाथ, नेमिनाथ इनका संबंध था शंख से। किससे दोस्तों, संघ से। हमने दोस्तों क्या बताया, हमने महावीर स्वामी को किससे द्वारा, सिंह से। वृषभ देव को बैल से, नेमिनाथ को संघ से दोस्तों। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ सर्व से। और अजीतनाथ को किससे, हाथी को। संभवनाथ को घोड़ा से, शांतिनाथ को हिरण से, और नेमिनाथ को संघ से। ये मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि इसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और हम लोग भूलते भी ज़्यादा हैं, तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और किसी ना किसी पेपर में, हर पेपर में एक ना एक पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टी आंसर था दोस्तों। देखते हैं प्रथम जैन संगीत कब हुई दोस्तों, 300 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने, किसने, स्थूलभद्र ने की। किसके शासनकाल में दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के। यहीं से, इसी बौद्ध संगीत से दोस्तों जैन धर्म दो भागों में गए, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। श्वेतांबर धर्म का नेतृत्व किसने किया, स्थूलभद्र ने। और श्वेतांबर एक पहला जैन धर्म है जिन्होंने पूजा पाठ प्रारंभ किए, ठीक। जो सफ़ेद कपड़े पहनने में विश्वास रखते हैं। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हैं, उनका नेतृत्व किसने किया, भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने एक धर्मग्रंथ लिखा जैन धर्म, उसका नाम था कल्पसूत्र दोस्तों। कल्पसूत्र में ही महावीर स्वामी के बचपन का विवरण मिलता है, किसका, महावीर स्वामी के, ठीक दोस्त। क्या आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र मदक की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई, उदयभद्र के। उदयभद्र को, उदयन को उदयभद्र बोलते हैं, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसे श्रेणक के नाम से भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है दोस्तों, बिम्बिसार को। देखो दोस्तों, अजातशत्रु को कुलिक भी बुलाते हैं क्या, अगर पूछ लिया जाए निम्नलिखित में कुलिक किसको बुलाते हैं, अजातशत्रु को, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है, देखो महाजनपद, महाजनपद का विवरण बौद्ध धर्म के निकाय, बौद्ध धर्म से भी मिलता है, संयुक्त निकाय से, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। 16 महाजनपदों का विवरण दोस्तों मिलता है, उसमें 14 राजतंत्र मत थे और 2 गणतंत्र मत थे, वज्जी और मल्ल, ठीक दोस्तों। बात की जाए, पूछा क्या गया है, प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था, तो मत्स्य जो था राजस्थान में था, मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराट नगर, ठीक। तो इसका आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, यहां तक हिस्ट्री क्वेश्चन थे, अब 10 क्वेश्चन करंट के हैं, उनसे बात करते हैं हम लोग। डिफेंस एक्सपो 2022 के विषय में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, पहला पढ़ो। इसका 12वां संस्करण 2022 में अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। देखो दोस्तों, इसका 12वां संस्करण अहमदाबाद में आयोजित ना होगा दोस्तों, कहाँ हो रहा दोस्तों, गांधीनगर, कहाँ हो रहा दोस्तों, गांधीनगर। ये डिफेंस एक्सपो एशिया का
सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। इसमें हथियारों को प्रतिनिधि तौर पे दिखाया जाता है दोस्तों। कहाँ हो रहा? गांधीनगर में। कब से तक? 12 से 15 अक्टूबर के बीच में। दूसरा तो ये गलत हो गया, इसका पिछला संस्करण चेन्नई में आयोजित किया दोस्तों, गलत। इसका पिछला संस्करण सन 2020 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो इसका क्या पूछा गया? सत्य कथन, सत्य कोई भी नहीं, दोनों असत्य हैं। आंसर हो गया सी। चलते हैं, विश्व शेर दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन। यह दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। देखो दोस्तों, 10 अगस्त को विश्व शेर देश के अलावा विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। क्या? विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? 10 अगस्त है। सेकंड देखते हैं, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 में की गई दोस्तों। ये गलत हुआ, 2010 ना हो गया, 2013 से पहली बार से मनाया जा रहा है। 2013 में पहली बार मनाया गया था, ठीक। तो ये गलत हुआ, पूछा गया गया है दोस्तों सत्य का, सत्य सिर्फ एक। चलते हैं नेक्स्ट, 14वें शतरंज ओलंपियड के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका आयोजन रोम में किया गया था दोस्तों, गलत है। इसका आयोजन पहले रूस में होना था, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से ये खेल आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। अगर पूछ रहा है 24 शतरंज ओलंपियाड में कहाँ हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक दोस्तों, ये गलत है। दूसरा, ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने जीता, ये दोस्तों सही है। तो क्या वो पूछा क्या गया है? असत, असत सिर्फ पास्ट है, सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फुटबॉल खिलाड़ी पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कौन किन किन खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया? अभी हाल ही में सुनील छेत्री को, किसे? सुनील छेत्री को 7वीं बार पुरस्कार मिला, मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, किसे? सुनील छेत्री को कितनी बार पूछा जा सकता है दोस्तों? सुनील छेत्री को कितनी बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो कितनी बार? अभी बार 7वीं बार मिला, मतलब इससे पहले 6 बार मिल चुका है, ठीक। एक नाम दिया गया मनीषा कल्याणवन को, महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें भी पहली बार में इस वर्ष मिला। कैसे? महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ पहली बार मिला इनको। तो क्या हो गया? पूछा गया गया है, फुटबॉलर चुना गया, तो क्या आंसर है? 2 और 3, ठीक दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार सत्य संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के साथ हुआ? भारत और मलेशिया। इसके साथ भारत और मलेशिया के साथ। एक आप लोग कमेंट करना, समुद्र शक्ति अभ्यास किन दो बीचों के होता है? पहला एक बता दिया आपको हमने, भारत के साथ होता है। भारत और किस देश के साथ होता है, उस देश का नाम कमेंट करिए आप लोग। डूरंड कप 2022 के बारे में निम्नलिखित विकल्पों असत कथन। तो इस टूर्नामेंट की मेजबानी पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर द्वारा की जा रही है। देखो, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, और पहली बार 1888 में खेला गया था, तब से लगातार खेला जा रहा है। इस बार ये टूर्नामेंट पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, सही है दोस्तों। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग रही हैं, ये गलत है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये गलत है, 16 नहीं 20 टीमें प्लस भारत सहित 20 टीमें, भारत सहित 20 टीमें, ठीक दोस्तों। तो क्या हो गया? ये सही हो गया, गलत हो गया, पूछा गया गया असत्य का, असत्य सिर्फ 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में सत्य का चयन करें। यह भारत की पहली सौर ऊर्जा लाइट है दोस्तों, ये गलत है। सौर ऊर्जा नहीं है, खारे पानी से संचालित है। किससे? खारे पानी से। सेकंड ऑप्शन, रोशनी का अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। ये भारतीय, देखो लालटेन तो है दोस्तों, लेकिन ये किससे? सौर ऊर्जा द्वारा नहीं है, ये है खारे पानी से संचालित। इसका आंसर क्या हो गया? पूछा क्या गया है दोस्तों? सत्य, सत्य सिर्फ 2। चलते हैं
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन शायद। हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य। देखो दोस्तों, हर और जल 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर जल शक्ति मिशन की शुरुआत की थी। उसी अंतर्गत क्या पूछा गया, राज्य, पहला राज्य, देखो दोस्तों पहला राज्य गोवा बना। ठीक, अगर आपसे केंद्र शासित राज्य के बारे में पूछ लिया जाए तो दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, दमन दीव। पहले ये दोनों राज्य अलग अलग थे, अभी एक साथ हो गए, तो आंसर क्या होगा, गोवा। 2024 तक हर घर में जल पहुंचाना इनका लक्ष्य है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? ये दोस्तों जिला मंडला एमपी में पड़ता है। ठीक दोस्तों, भारत की रामसर आर्द्रभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों में असत का चयन कीजिए। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर कभी डिटेल से गुरुकुल परिवार द्वारा आपको वीडियो दिया जाएगा, लेकिन तब तक देखो पूछा गया असत कथन। रामसर साइट आर्द्रभूमि सबसे पहले 1971 में ईरान में एक रामसर जगह है, वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ, इसी के नाम से इसे रामसर आर्द्रभूमि बोला जाता है। भारत ने 1982 में इस रामसर साइट के ऊपर साइन किए। ठीक दोस्तों, हाल ही में भारत के 12 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा किया गया। दोस्तों गलत, 11 का दिया गया, किसके 11 का, पहला गलत। दूसरा, भारत में अब तक कुल 75 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं। दोस्तों ये सही, वर्तमान में सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश है। दोस्तों इस महीने तक तो ये सही था, 10 थे उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी हाल ही में पिछले महीने लगभग 11 बार एक ज़्यादा लमसम 20 से ज़्यादा 49 से 75 कर दिए गए एक डेढ़ महीने में, ये समझिए। इसमें उत्तर प्रदेश का एक भी कोई नहीं पड़ा, लेकिन अब वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। कितने हैं अगर पूछ लिया जाए तो 14 रामसर स्थल कहाँ पर, तमिलनाडु, इसलिए ये भी गलत पूछा। असत 1 और 3। दोस्तों टैंकर टेस्ट फोर हुआ था, उसमें पॉलिटिक क्वेश्चन पहले ही हम आपसे बात कर चुके थे, आज हमने बात की हिस्ट्री और करंट ऊपर। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। देखो हम लोग गुरुकुल परिवार आपको वही देगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो देखते रहिए और शेयर लाइक कमेंट कर दिया जाए, और अपने जितने भी ग्रुप में हैं, अपने जितने भी दोस्तों में हैं, उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कर लिया करिए। तब तक नमस्कार दोस्तों।